हेलो, 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 हेलो। हेलो सो कैसे हैं आप सभी मेरा नाम है सौरभ शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और शानदार से सेशन में फटाफट से एक बार जुड़ जाइए हमारे साथ है वर्कआउट फ्रीक हमारे साथ है शुभांकर हमारे साथ है सागर हमारे साथ राधिका हमारे साथ हैं बहुत सारे बच्चे जो हैं अकल से कच्चे चलिए स्टार्ट so करें गाइस शुड वी स्टार्ट आर यू रेडी गाइज एक बार लिख दीजिए हाउस द जोश एग्जाम से पहले कैसा जोश है गाईस? एक बार बताइए जल्दी से मेरे को सभी के सभी चलिए गाइस सभी के सभी बताइए हाउस द जोश गाइज हाउस द जोश चलिए लेट स्टार्ट द सेशन देन एक बार शेयर कर दीजिए सभी सेशन को सभी के सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे शुरू करते हैं। फिर आज का खेला चलिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल लगाई सौरभ शर्मा टेस्ट वगैरह अभी तक ज्वाइन नहीं किया है डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एज वेल राइट अरे आजा भाई आजा, आजा, आजा। ठीक है ये मेरा कूपन कोड है ये व्हाट्सएप नंबर है अगर आपको कोई भी बैच परचेज करना है एजे का तो इस कूपन कोड का प्रयोग करें इस टेलीग्राम चैनल का प्रयोग करें सौरभ शर्मा टेक्स बुक का ये मेरा टेलीग्राम चैनल है व्हाट्सएप नंबर है अगर आपको कोई भी बैच लेना है मैके सी आई एल का लेना है डीडीए किसी का भी परचेज करना है इस कूपन कोड को लगा परचेज करिए कैसे परचेज करना है ये आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं चलिए पहला क्वेश्चन बताइए जी पहला क्वेश्चन स्पीड ऑफ एवरी गुड आफ्टरनून खुशबू कृष्णा नमस्कार 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 नाइट उल रीजनिंग पे चालीस पचास आ सकते हैं सर अब ये क्या छोटी बात कर रहे हो यार तुम है बच्चो एक बार अनुष्का हमारे साथ है ऑल सोर्ट विशाल तोमर हमारे साथ है पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने चालीस बटे पचास की बात कर रहे हो मेरी क्लास में है? कौन बोला कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा है कौन है बच्चा कौन है ये नादान बच्चा जो मेरी क्लास में आके चालीस बटे पचास की बात कर रहा है एक बार सभी बच्चे बताइए कितने में से कितने नंबर लेके आने हैं आपको चालिए देखिए गाइस ये कह रहा है कि कितने स्वरों से ठीक पहले एक व्यंजन है पहले तो स्वर काउंट कर लो स्वर काउंट करो ए ई -E, देखो स्वर क्या होते हैं ए ई आई ओ और यू ये होते हैं आपके स्वर -E -E है? -E 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 ए आई ओ यू ए ई आई ओ यू ठीक है ए ई आई ओ यू ए ई आई ओ यू सॉरी ई है ना ई होता है उ, यू होता है बी डी आई You. तो ये कह रहा है कितने ऐसे स्वर हैं जिनसे ठीक पहले एक व्यंजन है स्वर से पहले व्यंजन एक हो गया स्वर से पहले व्यंजन ठीक है ना स्वर से पहले व्यंजन स्वर से पहले व्यंजन स्वर, स्वर से पहले नहीं ये, ये काउंट नहीं होगा स्वर से पहले व्यंजन स्वर से पहले व्यंजन एक दो तीन चार पांच छ और एक वो वाला स्वर से पहले व्यंजन सात सात आंसर आ रहा है सभी का सात आंसर आ रहा है जी सभी का सभी ने सेवन भर दिया वर्कआउट फ्रीक ने भर दिया बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मैं हट जाता हूं स्क्रीन से ताकि आपको क्लियरली दिख सके है ना राधिका गुजर यस एक बार सारे बच्चे जुड़ जाइए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया राहुल कुमार रिया राधिका मैं हट जाता हूं गाइस जिससे आपको क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर दो एक बार पूरा दोस्त बिल्कुल सही आंसर आ गया सभी का डी आंसर आ गया जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है ठीक है ना ये कहां छुपा हुआ है ये इधर छुपा हुआ है ठीक है ना ये किधर छुपा हुआ है इधर छुपा हुआ है द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं इसी के साथ जल्दी से बताइए इसका ये प्यारा क्वेश्चन है सविता प्रांजल रजनी वर्कआउट फ्रीक बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया रिया कुमारी चलिए गई बिल्कुल ठीक है बताइए बहुत शानदार जबरदस्त भयंकर आ जाओ भाई इस वाले क्वेश्चन का बताइए क्या आंसर आ जाएगा जल्दी से मेरे को बताएंगे राइट एक बार शेयर वेयर करो भाई लाइक करो सेशन को और यस इस सेंटरडे आपके लिए मैं एक क्लास प्लान कर रहा हूं जिसमें आपको सारे टॉपिक सारे कॉन्सेप्ट में रिवाइज करा दूंगा बस इतना टाइम बहुत है आ जाइए इस देखो ओ ओ होता है आपका पंद्रहवें नंबर पर एस होता है उन्नीसवे नंबर पर आर अठारह पर बी दूसरे पर जी सात पर डब्ल्यू तेईस पर गई इसको देखो दूसरे वाले को बी एच एस एक्स एम जी अगर आप ध्यान से देखोगे बी दूसरे पर एच आठ एस उन्नीस पर एक्स आपका चौबीस पर एम तेरह पर और जी सात पर दो में पांच ऐड करोगे सात आठ पांच तेरह हो रहा है और उन्नीस और पाँच चौबीस होते हैं क्या पंद्रह और पांच बीस होते हैं नहीं इसमें हो रहा है देखो ए और पांच ए होता है पहले पर पांच ऐड करोगे छः आ जाएगा चौदह और पांच उन्नीस पाँच और पाँच दस तो ए आंसर आ गया भाई ऑड वन आउट के केस में केवल तीन ऑप्शन चेक करने होते हैं ए आंसर आ रहा है इसका ऑड वन आउट के केस में केवल तीन ऑप्शन चेक करने होते हैं पहला जो ऑप्शन है वो डिफरेंट है शिवानी राधिका चलिए बबुल पाल भाई अनुराधा कन्हैयालाल प्रांजल ए आंसर है बिल्कुल ठीक बताइए आपके सामने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बनाइए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन एक और शानदार सा क्वेश्चन आप सभी के सामने स्पीड अप एवरी वन जल्दी से बताइए क्या नजर मुड़ के देखने वाले क्या ये फिर नहीं होगी उत्तम भाई कुछ नहीं हो रहा है क्रॉस में पांच एड हो रहा है दो में पांच एड गया सात आ रहा है आठ में पांच एड गया तेरह उन्नीस में पांच एड गया तो चौबीस इस तरीके से बी को एक्स एम जी के साथ कनेक्ट किया गया है सेम यहां पर हो रहा है ए एन जी को ओ एस एफ से

एवरी वन स्पीडअप देखिए हम कर देते हैं इस क्वेश्चन को ये कह रहा है कि एस का K के साथ रिलेशन बताइए क्या होगा एस का K के साथ एस जमा में एम क्या होता है एस जमा में एम क्या होता है जमा वाला इधर S is the father of M है ना एस जो है वो क्या है फादर है किसका एम का गई आगे आ जाओ एम गुना में टी का मतलब क्या होता है एम गुना टी का मतलब होता है एम गुना टी का मतलब होता है एम इज द ब्रदर ऑफ टी एम इज द एम जो है क्या है ब्रदर है

फादर आंसर आ रहा है इतना इजी क्वेश्चन है पापा फादर आंसर आ रहा है सभी का फादर फादर आ गया इसका मतलब तुम सीख गए हो चलिए जी फादर फादर आंसर आंसर आ आ रहा है। father answer आ रहा है जी। Next question, Next है जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए नेक्स्ट पे चलते हैं एक और क्वेश्चन कोडेड ब्लड रिलेशन से जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा स्पीड अप एवरीवन एक और क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से एक नजर मुड़ के देखने वाले क्या ये फिर नहीं होगी चलिए मेरा मन तो कर नहीं रहा है वैसे तुम्हारे वॉचिंग नाव को वो लेनी पड़ रही है अब जबरदस्ती मेरा मन नहीं है वैसे बिल्कुल भी मैराथन लेने का सच में जेन्यूली अंदर से बताऊं दिल से तो मेरे है नहीं बट क्योंकि मैं पहले बोल चुका था वो चीज टीम को अगर मेरे से कल पूछते तो मैं मना कर देता क्योंकि मैं टीम को पहले बोल चुका था तो अब मेरी मजबूरी हो गई है वो लेना बाकी मुझे वॉचिंग लाउंड लेके बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है चलिए टी प्लस में एम मीन एम इज द सिस्टर ऑफ टी गाइज है ना ये वाला क्वेश्चन करिए ठीक है हाउ इज जी रिलेटेड टू जे जी का जे से क्या रिलेशन हो जाएगा है ना? जी का रिलेशन किससे जे से भाई हमको देखो इतना बताना है ना बस तुम इतना ही सॉल्व करेंगे फालतू का सॉल्व भी नहीं करेंगे भाई जे एट द रेट के का मतलब क्या है जे एट द रेट के का मतलब है जे इज द सन ऑफ के जे इज द सन है जे क्या है सन है भाई जे क्या है सन किसका के का गाइस है ना के जमा में आर के इज द सिस्टर ऑफ आर के जमा आर का एक सेकंड रुको जे एट द रेट के के इज द सन ऑफ जे है ठीक है ना ध्यान से करिएगा उल्टा है सावधानी हटी दुर्घटना घटी सावधानी हटी दुर्घटना घटी चलिए देखिए सुनिएगा मेरी बात जे एट द रेट के जे एट द रेट के तो के पहले के इज द सन ऑफ जे के सन है जे का है ना के इज द सन ऑफ जे आ जाओ के जमा में आर के जमा में आर तो आर इज द सिस्टर ऑफ के आर इज सिस्टर ऑफ के आगे आ जाओ आर जमा में जी आर जमा में जी तो जी इज द सिस्टर ऑफ जी इज द सिस्टर ऑफ आर अब समझोगे इस ये कह है जे किस प्रकार संबंधित है किससे तो जी जे की क्या है गया? इस डॉटर है ए आंसर आ रहा इसका। है इसका चलिए क्लियर इजी क्वेश्चन है ध्यान से करना वो उल्टा दे रखा है ए आंसर आ रहा है इसका शिवानी पूजा विनीत सभी का ठीक है ये वाला बताइए चलिए बिल्कुल ठीक है ए आंसर जिन्होंने भी दिया वो बिल्कुल करेक्ट है सीमा मैराथन क्लास है सैटरडे को सैटरडे सैटरडे कर दी रही है कुड़ी बताइए गई चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर हो रहा है देखिए इस यहां पर अंतर एक का है यहां पर अंतर चार का है यहां पर अंतर पचास साठ सत्तर सत्ताईस का अंतर है यहां पर अंतर कितने का है इस सैतालीस और तरेसठ सैतालीस में तिरसठ पहले घटा फिर घटा फिर घटा फिर बढ़ा फिर बढ़ गया सैतालीस से तिरसठ कितने का अंतर है सैतालीस से तरेसठ

5 का क्यूब घटेगा मतलब 125 घटेगा 125 में से अगर तिर घटाओगे तो कितना आएगा पांच में से तीन गया दो बारह तो वाले कितने गए सी, सी वाले सी वाले उत्तर बिल्कुल ठीक है ये बढ़िया क्वेश्चन है शिवानी का ठीक है बिबासवन शाह का ठीक है प्रांजल का ठीक है शगुन का ठीक है सी वाले बिल्कुल करेक्ट है एक घटा है मतलब एक का क्यूब घटाया है फिर दो का स्क्वायर ऐड किया है तीन का क्यूब घटाया है चार का स्क्वेयर ऐड किया है पांच का क्यूब घटेगा मतलब आपको तिरसठ में से एक सौ पच्चीस घटाना तो का आएगा, सिक्सटी टू आ जाएगा ठीक है सर पहले टेक्निकल अटेम्प्ट करें पेपर में भाई मेरे मानोगे तो पहले अटेम्प्ट करना रीजनिंग पेपर के अंदर सबसे पहले क्यों कह रहा हूं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस आएगा जी के तो बिल्कुल मत करना सबसे पहले मैं कह रहा हूं रीजनिंग करना अगर रीजनिंग आपकी अच्छी है 35 मिनट का 30 मिनट का टाइम लगा लेना कि 30 मिनट में मेरे को रीजनिंग करनी है 30 से 35 मिनट में उससे क्या होगा पेपर में इजी आती है अभी तक रीजनिंग और आपको बताओ रीजनिंग का सोल हो गया तो आपको बताया उत्तर है 45 स्कोर कर लिया या चवालीसिंग तो हाँ, है फिर टेक्निकल पे जाना और फिर आपका सबसे लास्ट में जीके पे जाना जीके पे सबसे लास्ट में जाना है बताइए इसका देखो एक दो तीन चार पांच छह छह एक दो तीन चार पांच छत सात आ गया तो एक दो तीन ग्यारह ग्यारह चलिए क्लियर है पे ग्यारह आंसर आ रहा है हेलो मोहित कुमार ग्यारह आंसर आ रहा है ठीक है नवनीत विशाल राधिका चलिए भाई किस किस का माइंड टायर्ड होता है रीजनिंग से यस और नो अरे रीजनिंग में भी माइंड टायर्ड हो रहा है क्या भाई कितने लोगों का माइंड टायर्ड होता है एक बार मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में रीजनिंग माइंड को फ्रेश आप बोल रहा से मूड टायर्ड नहीं करती है सर मूड फ्रेश करती है रीजनिंग जब नंबर आएंगे ना ऐसे लपेट लपेट के झोले में तो मूड को फ्रेश कर देगी ठीक है तो बोल बोलना चाहिए था तुमको सर सौरभ सर से पढ़े हैं टायर्ड नहीं करती है मूड बनाती है रीजनिंग चलिए चलिए गाइस है ना अकॉर्डिंग एक कक्षा में परीक्षा परिणाम के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण करने अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका टेक्निकल बहुत ज्यादा है तो टेक्निकल पर चले जाना ये कोई वो नहीं है जो आपका पॉजिटिव जो स्ट्रेंथ है उसको पहले करना है सीधी बात ठीक है चलिए बताइए राधिका ने बिल्कुल सही बोला है कि टायर्ड होने के लिए माइंड भी होना चाहिए है ना चलिए भाई एक कक्षा में परीक्षा परिणाम के अनुसार परीक्षा करने वालों एक्स का स्थान ऊपर से ग्यारहवां है नीचे से तीसवा है ऊपर से ग्यारहवें नंबर पर है नीचे से एक ही भाई साहब तीसवें नंबर पर है अगर एक ही बंदे की पोजीशन दे रखी है ऊपर नीचे से तो दोनों को ऐड करके एक घटा देते हैं तो कितना आगे इकतालीस में से चालीस लोग ऐसे हैं गईस ये कौन से लोग हैं ये वो लोग हैं जो पास हो रहे हैं है ना बॉटर अमोंग डोज हुए स्टूडेंट गए टोटल स्टूडेंट पचास आ जाएंगे ठीक है ना ये गलती बिल्कुल ना करें जीके जीएस को सोल्व करने की गलती मतलब मत करे एक भाई सब कह रहा जो है जो खतरों के खिलाड़ी है ना वही करें वरना ऐसा माइंड उड़ेगा जब पता चलेगा भाई पचास में से तेईस ही नंबर आए तो कितना भी अच्छा आपको आता हो भाई पे सारा कॉन्फिडेंस हाय रब्बा है ना और सहाना जाए कुछ तो बोल ऐसा हो जाएगा भैया है ना तो गलती से भी ना करें जीके को सबसे बाद में लास्ट के बीस मिनट जो भी बचे जो उसमें जीके देखने गई है ना चलिए भाई बताइए फुटबॉल है टेनिस है हॉकी है और बैडमिंटन है जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसमें ऑड वन आउट बताइए जल्दी से बताइए देखिए गाइस विंबलडन का संबंध हमें बताना विंबलडन का संबंध किससे हो जाएगा तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आईपीएल तो जिन दुनिया जानती है भैया क्रिकेट अभी आ भी रहा है वर्ल्ड कप का ना कल से पांच तारीख से आ रहा कल से आज है आज, आज ही है ये आज से मजा आएगा यार कितने बजे से मैच

एक साल वो करके आओ अबे मतलब कैसा क्वेश्चन है यार ये बताओ भाई कैसे करें क्या आता कर तो कर दो नहीं आता तो मत करके आना मैंने तो पढ़ाई थी भाई सारे टाइप मैंने तो बार-बार कंट्री कैपिटल सब रटवाए ठीक है ना आठ ऐड हो रहा सत्ताईस ऐड हो रहा है अब तो गुण सुहाना जाए कुछ तो बोल 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 दो 3 पांच एड हो रहा है पांच का क्यूब एक सौ पच्चीस दो तीन पांच सात का एड हो, हो रहा है क्या तीन सौ तैतालीस एड हो रहा है पे तो आगे नौ का एड करोगे नहीं ग्यारह का एड करोगे आगे क्या एड करोगे क्योंकि नौ क्या है प्राइम नंबर नहीं है प्राइम नंबर के क्यूब एड हो रहे हैं बढ़िया है सीरीज के क्वेश्चन यार सात और एक आठ आ रहा है डी आंसर आ रहा है डी आंसर आएगा भाई प्राइम नंबर प्राइम नंबर एड होते जा रहे हैं क्या एड होते जा रहे हैं प्राइम नंबर चलिए प्राइम नंबर प्राइम नंबर गई प्राइम नंबर ठीक है ना प्राइम नंबर आपको ऐड करना था भाई दो का क्यूब दो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है और अकेला ऐसा प्राइम नंबर होता है जो क्या होता है इवन होता है दो का ऐड हो रहा है क्यूब दो का क्यूब होता 8, 3 है आठ तीन का सत्ताईस चार का चौथा पांच का एक सौ का दो सौ का तीन सौ का पता हो रहा है नौ का तीन ठीक है तो पहले दो का क्यूब एड हो रहा है फिर तीन का फिर पांच का फिर सात का नौ प्राइम नहीं होता है क्योंकि नौ एक से भाग होता है तीन से भी होता है नौ से भी होता है इसलिए आगे ग्यारह का क्यूब एड करना पड़ेगा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बताइए चलिए सर मॉर्निंग में उठकर रीजनिंग डायरेक्ट अरे सबसे आसान टॉपिक कोई भी तुमसे ये बोले ना अगर तुम मेरे से सच में पढ़े हो ना रीजनिंग और उसके बाद तुम्हें रीजनिंग से प्यार नहीं हुआ है है ना तो फिर मैं तुम्हें क्या बोलूं फिर तो चुल्लू भर पानी लेना और उसी में डूब जाना भाई अगर मेरे से पढ़ के भी रीजनिंग स्ट्रांग नहीं हुई है ना फिर तुम्हें जिंदगी में कोई स्ट्रांग नहीं करवा सकता बताइए तो पॉइंटिंग टुवर्ड्स राहुल क्या है रीजनिंग रीजनिंग में तो है गाइस पॉइंटिंग टुवर्ड्स राहुल राहुल की तरफ इशारा करते हुए समृति ने कहा कि ही इज द सन ऑफ माय मदर मेरी मम्मी का इकलौता बेटा मेरी मम्मी के इकलौते बेटे का बेटा है कौन राहुल तो इज स्मृति स्मृति कौन हो गई मेरी मम्मी मतलब भाई का बेटा है तो कौन होगी भाई का बेटा अरे उसके भाई का बेटा है तो कौन हो जाएगा हाउ राहुल ने स्मृति का क्या संबंध है तो राहुल स्मृति का क्या है बताइए वह मेरी मां के इकलौते बच्चे का बच्चा है मेरी मां के इकलौते एक ही बच्चा खुद स्मृति होगी का बेटा है का बेटा है तो राहुल से स्मृति का क्या संबंध है चलिए मदर मदर आंसर आएगा ठीक है ना इकलौता बेटा मतलब स्मृति बच्चा लिखा है बेटा नहीं लिखा हुआ चलिए ना मदर आएगा भाई इकलौता बच्चा मेरी मम्मी का इकलौता बच्चा खुद स्मृति उसका बेटा है तो स्मृति का बेटा है स्मृति मम्मी होगी उसकी स्मृति मम्मी हो गई मेरे भाई अरे सबसे आसान सब्जेक्ट रीजनिंग है पचास में से कम से कम पैंतालीस छियालीस नंबर उड़ाने हैं तुमको ऐसे झोले लेके जाना और ऐसे रीजनिंग डुबोई छियालीस नंबर निकाल के रख दिया अपने और कोशिश करना पचास के पचास आ जाए पर अगर एक आध क्वेश्चन नहीं बने सीरीज का छोड़ देते हैं मिसिंग का छोड़ देते हैं या फिर सिटिंग का कोई बहुत गंदा सा आ जाए तो भी पैंतालीस से छियालीस नंबर कहीं नहीं गए समझ रहे हो अब ये क्वेश्चन आ गया कि एंगल बताओ घंटे और मिनट के बीच में तुम्हें पढ़ा रखा है सौरभ सर ने कि भाई दो बज के पैंतालीस मिनट का टाइम है पहला काम पांच से भाग कर दो आठ आ गया दो में से आठ घटाओगे कि कितना आ गया छः तीस से गुना कर दीजिए एक सौ अस्सी पैंतालीस का आधा बाईस पॉइंट पांच क्या कर देंगे घटा देंगे पान नाम पैंतालीस पांच से डिवाइड किया ना पान नाम आएगा ना अब वही तो मैं कहूं कुछ तो गड़बड़ हुई है दया मैं कह रहा हूं ऐसा कैसा हो गया कुछ तो गड़बड़ हुई है दया भाई दो बज के पैंतालीस पहला स्टेप पांच से भाग करो इसको पांच से जैसे भाग किया नौ आ गया दो में से नौ घटाओ सात आ गया सात की गुना किससे करोगे तीन से दो सौ दस और पैंतालीस का आधा घटा देंगे बाईस पॉइंट पांच गईस बीस घटेगा तो एक सौ दस घटेगा दो सो दस घटेगा एक सौ नब्बे तो एक सौ तो सतासी पॉइंट पांच ये आंसर आ गया

तो भी तीस से गुना करो कितना गया? 210. पर क्योंकि ये नेगेटिव आ गया दो रहा है तो इसका आधा करके जो कि बाइस पॉइंट पांच है उसको घटा दीजिए दो सौ दस में से तो क्लियर है।, है भाई निकाल लोगे निकाल लोगे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी अगला क्वेश्चन बताइए कुल्हाड़ी का संबंध लकड़हारे के साथ दे रखा है मूर्तिकार का संबंध छैनि से लेखक का कलम से चिकित्सक का के साथ दे रखा है, अब तो और सहाना जाए कुछ तो बोल बोल, बोल। रिया हमारे साथ जुड़ी हुई है प्रमोद कुमार भाई साहब हमारे साथ जुड़े एक बार शेयर वेयर करो भाई भारत माता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सविता राधिका हितेश शिवानी चलिए, गाइस देखिए देखते ही खत्म हो रहा है आगे यहां पे व्यक्ति दे रखा है मूर्तिकार एक व्यक्ति है राइटर एक व्यक्ति डॉक्टर यहां पे आगे कुल्हाड़ी दे रखी है ये आंसर इस आगे 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 चलते हैं आगे अरे कुल्हाड़ी दे रखी है आगे वो है वो स्कल्पचर यूज करता है राइटर पेन का यूज करता है डॉक्टर स्टेटोस्कोप का यूज करता है कुलाड़ी लखड़हारे का प्रयोग नहीं करती है लकड़हारा कुल्हाड़ी का प्रयोग करता है तो उल्टा लिखा हुआ है चलिए ओजोन रेड ऑरेंज और येल्लो टिटली नहीं आती अब कोई आए ना आए हमें क्या करना है कोई जो वो जो आए उसका भला ना आए उसका भी भला है ना हम तो चाहते हैं सबका सिलेक्शन हो जाए पर पहले उनका हो जो मेरी क्लास में आ रहे हैं ठीक है यस नो गाइज और नो, नो बोलिए जल्दी से इसका करेक्ट आंसर सभी ए दे रहे हैं जो कि बिल्कुल ठीक है ओजोन बिल्कुल ठीक है गाइज है ना ओजोन आंसर आ रहा है क्योंकि ओजोन एक गैस है गाइज ओजोन क्या है एक गैस है बाकी सब कलर है ए आंसर है इसका बताइए अगर स्नेक को सांप को पंद्रह लिख रहे हैं तो डोनेशन को क्या लिखेंगे बताइए स्नेक को पंद्रह लिख रहे हैं तो डोनेशन को क्या लिख देंगे वेरी गुड खुशबुआ खुशबू सॉरी खुशबुआ चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए स्पीड अप एवरीवन सर आप पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा कर दिया कीजिए जी शिवानी जी जरूर करेंगे है ना चलिएगा इस है ना भाई एक दो तीन चार पाँच पाँच की गुना अगर तीन से करोगे तो पंद्रह आ जाएगा भाई राइट वैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ की गुना तीन से करोगे तो चौबीस आंसर आ जाएगा आठ की गुना तीन से करोगे तो चौबीस आ जाएगा इस ट्वेंटी फोर राइट है जी राइट है अरे हाँ या ना बोल दो पापी लोगों चलिए अब डायरेक्शन का एक बहुत शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने रखते हैं देखते हैं कौन बनाता है एक क्वेश्चन रखा है आपके सामने डायरेक्शन का डायरेक्शन का एक क्वेश्चन आपके सामने रखा है जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर आ जाएगा एब्सोल्युटली राइट आकाश बोल रहे हैं सौरभ कुमार भी बिल्कुल सही दे रहे हैं बहुत खतरनाक लोग जुड़े हुए श्रद्धा पांडे रे हम पापी लोग हो गए हैं चलिए राइट जी राइट यस सर क्लियर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया 2023 क्रिएट समथिंग न्यू वेरी गुड जगिंदर सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखो बना देते हैं स्पीड से बनाएंगे वॉकिंग किलोमीटर फ्रॉम इज हाउस इन ईस्ट डायरेक्शन ईस्ट में चला तीर है देन टर्न उल्टा हाथ पे मुड़ के सतरह चला देन टर्न वेस्ट डायरेक्शन में और उन्नीस मीटर चला ठीक है फाइनली ही टर्न टू इज लेफ्ट उल्टे हाथ पे मुड़ के फिर सतरह चला ट इज द डायरेक्शन द फाइनल पॉइंट है है। भाई ये है और ऊपर चला है ना? तो ये कितनी और किधर होगा पॉइंट से में? ये रहा है? ऑफ फाइनल पॉइंट फाइनल की डायरेक्शन होगी वेस्ट में होगा और छह होगा वेस्ट में छ होगा वेस्ट में है ना? इतना आसान क्वेश्चन है सी आंसर है बताओ जगमिंदर भाई कुछ बच्चे मुझसे लेट जुड़े हैं वो मेरी रिकॉर्डिंग देखते हैं महिमा प्रांजल सविता लेट जुड़े हैं उन्हें लेट पता चला है वो कहीं और खो रहे थे ठीक है सी आंसर आ रहा है इसका सी आएगा भैया बी वाले पापी लोग हैं खुशबू बी कहां से आ रहा है है भाई खुशबू इस तरह से खुशबू बहलाओगे तुम गलत जवाब देके बताइए चलिए जी अगला क्वेश्चन फिगर को कंप्लीट करो चलिए कहीं और गया है तो वो पछताएगा जो मेरी क्लास में है वो खुश रहेगा है ना चलिए बताइए ठीक है वो अगले वो अगले साल मेरे से ही पढ़ने आएंगे टेंशन मत लो जो कहीं और पढ़ रहे हैं वो अगले साल मेरे से ही पढ़ने आएंगे बताइए और जो मुझसे पढ़ लेगा वो नहीं आएगा अगली बार मुझसे पढ़ने ए आंसर आ रहा है भाई करेक्ट देखो मेरी बात मेरे बंधुओं पहली बात क्या होगा ये बताना है कि कंप्लीट करना ये लाइन है इस लाइन को पूरी करेंगे और इस लाइन को पूरी करेंगे सर्कल को पूरा करेंगे ठीक है ना एक गोली यहां पर आएगी और एक गोली यहां पर आएगी ए आंसर आ गया इसका ए विल बी द करेक्ट आंसर ए आंसर आ रहा है चलिए ठीक है ना ए आंसर है फ्री के नंबर है रीजनिंग क्या है फ्री के नंबर जितने जाओ समेट लो फ्री के नंबर आते हैं रीजनिंग में बस समेटने जल्दी जल्दी से जितनी जल्दी और नंबर ले लेना है यार बताओ कितना बढ़िया सब्जेक्ट है एक आध क्वेश्चन को छोड़ दो अगर आपसे कोई पूछे सबसे प्यारा सब्जेक्ट कौन है सी जी का तो आपको क्या बोलना है रीजनिंग सबसे प्यारा सब्जेक्ट है ठीक है ना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना है ना कुछ करना है बस वही चीज़ें होती आ रही हैं कई सालों से ठीक है ना बस नंबर याद होने चाहिए देखो टी अब पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है कुछ लोग कहते हैं सर रफ सीट इतना भर देती हैं लड़कियां चार मतलब चार बार सर रफ सीट में जैसे फिर वो बोलोगे सर आप एक्टिंग बहुत करते हो लड़कियां करती हैं भाई मैं जब पेपर देने जाता था वो ये शो ऑफ करने के चक्कर में कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है इतना बड़ा बड़ा लिख के भर देंगे पेपर शीट को मतलब जो ज्यादा पेपर शीट मांग रहा है तुम समझ जाओ इसकी तैयारी कुछ नहीं है इस घों की इस घोचू ने कुछ नहीं पढ़ा है ये घोचू बस लिख ही रहा है ठीक है ना ये निबंध लिख रहा है पेपर में बैठ के वरना जरूरत ही नहीं है टी आपका क्या है बीसवे पर बाईस पर चौबीस पर छब्बीस पर दूसरे पर डी आएगा पहली बात तो ये दोनों गलत हो गए चार 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 सी आंसर चलिए गईज आपके जमाने की लड़कियां अलग थी राधिका बोल रही थी क्यों राधिका उनके कोई सींग लग रहे थे चलिए भाई मेरे जमाने में क्या सींग लग रहे थे लड़कियों के ठीक है लड़कियां एक जैसी ही होती हैं गईस है, है ना चलिए लड़कियां एक जैसी ही होती हैं सेम होती हैं गईस है, है ना उन्हें बस तीन चीजों से मतलब है स्नैपचैट के फिल्टरों से मतलब है ठीक है स्कूटी को पाँव से रोकने से मतलब है और मोमबूज खाने से मतलब है उन्हें बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है पता बताइए भाई अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने चलिए गाइस बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए इसका क्या आंसर हो जाएगा रब्बा और सहाना जाए कुछ तो भूल बताइए गाइस सविता रोहित ठीक है ऋषि का बोल रही है लगता है सर पूरे टाइम गर्ल्स को ऑब्जर्व हम ना भी करें ना तो ऐसी हरकतें करती है कि दुनिया उनको ऑब्जर्व करे ठीक है ना हम बढ़िया सी मोटरसाइकिल चलाएंगे कोई आएगी साइड में से जल परी, पैरों से रुकते रोकते हैं चलिए गाइस लड़कियों के सैंडल में लोहे लगा देने चाहिए नीचे गाइस देखो भाई इसको ऐसे सुनना मेरी बात यहां पर ये है इसको ऐसे फोल्ड करेंगे ठीक है ना फिर इसको ऐसे इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे यहां पर ये ऐसा है ये यहां पर ऐसा है जब इसको खोलेंगे तो आप सुनो ध्यान से देखना गाइस यहां इसको ऐसे खोलेंगे तो ये इधर और इधर आएगा ठीक है ना देखो पहली बात तो सेंटर में कुछ नहीं आ गया सेंटर वाला कहां से आ गया यार ये ऐसे उड़क मुड़क के दर से हो गया है ना उड़ुक मुड़ुक डी आंसर आएगा इसका डी आंसर आ रहा है डी आंसर आ रहा है इस चलिए क्लियर है गई <laughs> सगुन बोल रही है कि आप लड़कियों को देखते नहीं है अरे बहन हम नहीं देखते हैं लड़कियों को वो ठोक देती है हमें आके <laughs> लेके आएंगे अपनी सड़ी सी स्कूटी लाके ठोक देती है हमें तब भी ना देखें तब भी आके बंद कर लें गिरे पड़े रहते हैं फिर हम सॉरी और बुलवाती है हमसे बताइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए चलिए जल प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब बताओ जल प्रतिबिंब वॉटर इमेज गाइज यहां पर वॉटर इमेज ठीक है ना वॉटर इमेज क्या करेगा पलट देगा पलट देगा इसको पलट देगा है ना तो जी ऐसे हो जाएगा ना जी ऐसे हो जाएगा ठीक है ना <laughs> जी ऐसे हो जाएगा ये गलत हो गया ठीक है ना एच को उल्टा कर दीजिए देखो यहां पे डॉलर साइन कहां से आ गया है ये डॉलर साइन आ गया डॉलर साइन ऐसे आएगा यार ठीक है ठीक है डॉलर साइन से सेम है यार एस जो है एस एस भी सेम है फिर एफ होगा डी आंसर आएगा है ना डी आंसर आ जाएगा डी विल बी द करेक्ट आंसर डी आ रहा है ना सभी का डी अरे डी आ रहा है या नहीं आ रहा है पापी लोग एस और नो बताइए चलिए चलो ये वाला बताओ ये डिवाइड का साइन है यहाँ पर राइट ये डिवाइड का साइन है ये डिवाइड का साइन है चलिए बताइए ये डिवाइड का साइन है गाइस बताइए चलो बताओ सारे के सारे आप लड़के तो आसमान में तारे गिनते हैं गाइज हाउ मेनी आर गोइंग टू अटेंड फर्स्ट टाइम इन एस एस जो मगज का मतलब क्या होता है अबे राकेश सेठी उत्तर बताओ वरना मैं तुम्हारे मगज का इलाज कर दूंगा बेटा ठीक है ना अगर तुम में से किसी के कम नंबर आए ना रीजनिंग में तो अगली बार तुम्हें ना उससे फिजिकल हैंडीकेप कैटेगरी से अप्लाई करवा दूंगा मैं इतना याद रखना बस ठीक है नम इस बार सिलेक्शन लेके आना है और डरने की कोई बात नहीं है कुछ लोग ज्यादा घबराते हैं घबराने की कोई बात नहीं है घबराने जैसा कुछ नहीं है यार जाएंगे पेपर करके आना है अब बढ़िया करके आना गाइस ठीक है चलो देखो भाई ये क्या कह रहा है प्लस का मतलब है भाग तो यहां पर डिवीजन कर दो ठीक है माइनस का मतलब है मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन का मतलब है एडिशन डिवाइड का मतलब है घटा गाइस बदमाश लगा दीजिए गाइस आया आया कौन आया बदमाश आया गाइस कौन, कौन आएगा बदमाश बदमाश आएगा तो पहले होगा डिवाइड 200 बारोड़ा 200 की 25 से गुना करोगे कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा 500 में 60 ऐड करोगे पांच सौ साठ बीस घटा दोगे आ जाएगा 540 आंसर आ जाएगा 540 आंसर आ रहा है पांच आंसर आ रहा है अगला क्वेश्चन वेन डायग्राम से बताई गईस कबूतर पक्षी और कुत्ते गई चलिए बदमाश मतलब सौरभ सर चलिए शिवानी पटेल मेरी क्लास की तो लड़कियां भी तो अजीब हैं मेरी क्लास की तो लड़कियां भी लड़कों जैसी हैं ठीक है ना इनकी हरकतें जो है, हैं है ही नहीं लड़कियों जैसी बताइए भाई लड़को पढ़ लो आज भी टाइम है तुम्हारे पास ठीक है आज भी टाइम है आपके पास का देखो पीजन कबूतर कबूतर आ आ, आ, आ कबूतर जा जा कैसे गाना है वो बर्ड जो है वो पिजन क्या एक बर्ड है डॉग अलग, अलग हो जाएगा कुत्ता अलग हो जाएगा ठीक है ना कुत्ता अलग हो जाएगा गाइस कुत्ते से मुझे याद आया कि लड़को अभी तुम्हारी कंडीशन एक कुत्ते से भी बेकार है ठीक है ना लड़की अगर एक कुत्ता जो है छोटा सा वो लड़कियों के पास जाए तो कैसे करती है अले ले मेरा छोटा सा पप्पी आ गया है ये वो उसको भी किस विश मिल जाती है और तुम्हें तुम, तुम बेचारा पहरा निबंध लिख के भेज रहे हो उसको कि हे प्रीति मान जा प्रीति ये प्रीति हुआ प्रीति आज तक, तक तुम्हारा रिप्लाई नहीं कर रही है तो देख लो तुम्हारी हालत क्या है इस बताइए चलिए इस बताइए बताओ भाई मुंबई अहमदाबाद रांची और रायपुर हैव बिगिन आउट ऑफ विच थ्री आर अलाइक इन मैनर डिफरेंट सिलेक्ट द वर्ड दैट इज डिफरेंट मुंबई अहमदाबाद रांची और रायपुर गाइस बताइए क्या आंसर आ जाएगी बताओ क्या आंसर आ रहा है चलिए करेक्ट आंसर विल बी द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर टू गाइस है ना ऑप्शन नंबर टू बहुत आसान क्वेश्चन है मैंने इसलिए बोला है कि स्टेट और उसकी कैपिटल जरूर याद कर लें महाराष्ट्र की कैपिटल होती है मुंबई गाइस है ना यस और नो गाइस झारखंड की कैपिटल क्या है रांची आपकी ठीक है जी आगे चलो झारखंड की कैपिटल क्या है रांची और छत्तीसगढ़ की है रायपुर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसी के साथ सर आपकी सारी बातें मेरे भाई के जैसी ही हैं बिल्कुल ऐसे ही बोलता है वो भी ठीक है और ऑल शॉर्ट्स करके कोई लड़की है तुम्हारी बातें मेरी एक दोस्त की तरह हैं ठीक है वो भी ऐसी बातें करती थी फिर एक दिन आए थे एम्बुलेंस में पागलों को पकड़ने वाले डॉक्टर उठा के ले गए आज पागलखाने में भरती है वो चलिए बताइए चलिएगा जल्दी से बताइए चलिए देखो हॉर्स जो रहता है वो अस्तबल में रहता है घोड़ा जो है गई अस्तबल में रहता है और कुत्ता जो है गईस वो इसमें रहता है कैनल के अंदर भाई लाइन थोड़ी इग्लू इग्लू में इग्लू में कौन रहता है गई इग्लू में कौन रहता है बताइए जंगल में भाई मछली जंगल में कब से रहने लग गई है ना मछली जंगल में नहीं रहती है और गाय घर में नहीं रहती है गई है ना इसका आंसर सी है सी आंसर है जैसे हॉर्स स्टेबल के अंदर रहता है अस्तबल के अंदर ऐसे कुत्ता कैनल के अंदर रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए चलिए चलिए बताइए स्पीड अप, एवरीवन, स्पीड अप बताइए। चलिए जी क्या आंसर आ रहा पॉइंटिंग टू ए मैन एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक लेडी कह रही है कि ही इज द ब्रदर ऑफ माय हस्बैंड है ना ही इज द ब्रदर ऑफ माय हस्बैंड गाइस पॉइंटिंग टू ए मैन एक तो जिस दिन मेरा मैं फॉर्म में आ जाता हूं ना उस दिन मुझे हर चीज में जोक नजर आने लग जाते हैं पॉइंटिंग टू ए मैन ए लेडी सेज एक लेडी कह रही है कि मेरे पति देव मेरे हसबैंड इज द ब्रदर माई oh हस्बैंड मेरे हस्बैंड का ब्रदर है कौन एक व्यक्ति तो मैन क्या है देवर है भैया ब्रदर इन लो है है ना देवर आंसर है गई सा. ठीक है जी चलिए ठीक है बताइए चलिए सुखी सर आपकी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाएगी सर आपकी वाइफ की याद आ गई क्या क्वेश्चन को देखकर शिवानी पटेल चलिए गाइस है ना देखो मैं इस तरह का नहीं हूँ गाइस आप सभी को पता है ठीक है मेरी हालत भी इन्हीं लड़कों की तरह है जो मेरी क्लास में होते हैं ठीक है ना इनकी तरह का ही हूँ मैं ठीक है अब तो मैं पता है कि ये किस तरह के हैं चलिए बताइए मैंने इन्हीं की कम्युनिटी ज्वाइन कर रखी है क्योंकि मैं भी इंजीनियर ही हूँ गाइस चलिए बताइए बताइए जल्दी से बताइए पी का मतलब डिवाइड है क्यू का मतलब गुना है तो चौदह गुना में सोलह पी का मतलब डिवाइड चार आर का मतलब जमा में सात एस का मतलब दस आंसर आ रहा है ठीक है तो क्या होगा पहले बदमाश आया आया कौन बदमाश को जरूर याद रखना है पहले डिवाइड होगा चार चौदह चौके छप्पन और सात तिरसठ में से दस तरेपन उड़ गया फिफ्टी थ्री आंसर आ गया भैया बदमाश लगा के सोल कर दिया फिफ्टी थ्री आंसर आ गया है ना बदमाश है भैया चलिए ये वाला क्वेश्चन बता दो एक क्वेश्चन कैलेंडर का एक क्वेश्चन बना के दिखाओ जरा मेरे को चलिए स्पीड अप एवरी वन एक क्वेश्चन मेरे को कैलेंडर का बता के द, द, बना के दिखाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों चलिए सर आप सख्त लड़के हैं क्या चलिए पढ़ लो बेटा पढ़ लो ठीक है चलिए बताइए बैंकट बर्थडे ऑन फर्स्ट जनवरी 2012 को है भाई एक जनवरी 2012 को अगर संडे है अगर एक जनवरी 2012 को संडे है तो कह रहा है उसका अगला बर्थडे मतलब नहीं बर्थडे तो मतलब एक जनवरी 2013 को क्या होगा भाई दो भाई 2012 एक लीप वर्ष है है या नहीं है गाइज अगर लीप वर्ष अगर नॉर्मल पे खत्म होता है उसी पे शुरू हो जाता है जिसपे शुरू होता है उसी पे खत्म हो जाता है बट क्योंकि 2012 एक लीप ईयर है तो संडे की जगह मंडे पे खत्म होगा और अगले दिन आपका आंसर हो जाएगा इसका बताइए क्या आंसर आ गया इसका यस और नो क्या आंसर आ गया जल्दी से बताइए स्पीड ऑफ एवरी बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं इसका जितने भी पापी लोग हैं जो ट्यूसडे दे रहे हैं वो ठीक है ए वालों के लिए भाई स्पेशल इलाज करा जाएगा ठीक है

जैसे इसको चार से भाग करोगे पूरा पूरा भाग हो रहा है तो जो नॉर्मल ईयर होता है वो जिस दिन शुरू होता है ना अगर वो मंडे से शुरू हुआ तो मंडे पे ही खत्म हो जाएगा बट क्योंकि ये ये लीप वर्ष है तो संडे से शुरू हुआ है ना तो ये खत्म संडे पे नहीं हुआ तो एक जनवरी को क्या हो जाएगा ट्यूजडे हो जाएगा ट्यूजडे आंसर हो जाएगा ये चीज याद रखिएगा ठीक है ना ये चीज क्या करेंगे आप याद रखेंगे याद रहेगी दो और डेज होंगे ये भी बिल्कुल सही बात बोली है श्रद्धा जी ने ठीक है चलिए गई चलिए चलिए बताइए चलिए जिन्होंने ए दिया है ना भाई उनका कुछ नहीं कर सकता मैं अब उनका मैं कुछ नहीं कर सकता भाई क्वेश्चन को देखकर आंखों में दिल बनना चाहिए क्वेश्चन को देखकर आंखों में क्या बनना चाहिए दिल बनना चाहिए एक दिल है एक जान है दोनों इसी पे कुर्बान है ई e का अपोजिट वी है एन का अपोजिट एम है डी का अपोजिट डब्ल्यू है ओ का अपोजिट एल है आई का अपोजिट गाइस क्या हो जाएगा आर होगा आई आर इंडियन रेलवे लड़कों की ट्रिक है ना इतनी सड़ी सी ट्रिक बनाई है लड़कों ने इंडियन रेलवे एन का अपोजिट एम होता है ठीक है ना एस का अपोजिट एच एस का अपोजिट होता है एच है ना हाई स्कूल डी आंसर आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन गई चलिए चलिए गई बताइए चलिए चलिए बताइए स्पीड अप एवरीवन तो 50 घटा यहां पर 45 घटा यहां पे 40 घटा तो अब 35 घट जाएगा 5 5 0 6 3 330 330 आंसर आ रहा है करेक्ट आंसर 330, are, right? Be, uh, 330 right? <tosin> है है ना सभी का आ रहा है ए भगवान अगर इसमें भी 330 से हटके कोई उत्तर दे रहा है ना भाई साहब फिर तो उसे कुत्ते खाएंगे पक्का कुत्ता काटेगा गाइस चलिए कुत्ता काटे का तो ठीक है एक बार इंसान बच जाएगा बट लड़की का काटा इंसान कभी नहीं बचता गई ठीक है ना कुत्ता काट जाए तो चौदह चो, इंजेक्शन लग जाएंगे गैस, लड़की काट गई तो कितने भी इंजेक्शन ठीक है ना बताइए जल्दी से बताइए अगला क्वेश्चन क्या आंसर होगा चलिए मेरे भाइयों आ जाओ हुआ क्या है जो अंदर है वो बाहर उल्टा होके बाहर आ गया है जो बाहर वाला अंदर हो गया और शेडेड हो गया अंदर वाला बाहर जाएगा बाहर वाला अंदर आएगा और शेडेड होके आएगा समझ रहे हो मेरी बात शेडेड होकर आएगा मेरे भाइयों क्या होकर आएगा शेडेड होकर आएगा गई शेडेड होकर आएगा क्या बाहर वाला अंदर आते टाइम चेंज हुआ है नहीं हुआ तो बाहर वाला जब अंदर आएगा ना तो वो चेंज नहीं करेगा अपनी सेप तो वो शेडेड हो जाएगा शेडेड टू आंसर आ रहा है बी वाले बिल्कुल करेक्ट है ठीक है सर आप तो लड़कियों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो गई चलिए सुखी तुम लड़का हो के लड़कियों की क्यों ले रहे हो ठीक है ना टू आंसर आगे चलो बताइए ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से मेरे को फटाफट से देखो ये बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन है दो ऐड हुआ चार ऐड हुआ दो चार दो चार, दो चार।, चार। बेकार क्वेश्चन है इस पर नहीं गौर करेंगे दो चार दो चार ऐड हो रहा है ये बताओ फालतू के क्वेश्चन की कोई जगह नहीं है हमारे समाज में गई ऐसे फालतू क्वेश्चनों की कोई जगह नहीं है हमारी क्लास में ये वाला बताओ जरा एक बार चल ये वाला बताइए इसका उत्तर कौन बताएगा कौन है वो कौन है जो इसका उत्तर बताएगा चलिए जी है ना जगमिंदर भारतीय सैनी बेंजामिन गोगोई भाई बेंजामिन भाई कहां से हो तुम लोग सर क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड भी क्लास देख रही है अरे सुखी बेटा तेरी भी गर्लफ्रेंड है ना ध्यान से चेक कर वो गर्लफ्रेंड नहीं है वो गर्लफ्रेंडा होगा ठीक है ना इधर वाली एरो फिर दो इधर एरो फिर तीन इधर एरो चार इधर एरो, पांच इधर आएंगे एरो, पांच ध्यान एरो। से, से चेक कर नींद से जग बेटा तू तो सपने में है ठीक है चलिए चलिए ए आंसर है ए आंसर है ठीक है ए आंसर है बताइए चलिए अगला क्वेश्चन बताइए देखो दिल दिल आ गए इस गाई चलिए इस वाले क्वेश्चन को बताएगी गाई इस फटाफट चलिए जा आ दिल्ली छोड़ आउट ऑफ विच फोर आर अलाइक इन द सम वे वन इज डिफरेंट कौन सा डिफरेंट है अरे बताइए विच वन इज डिफरेंट कौन सा डिफरेंट है गाइज देखिए गाइज दो सेम ओरिएंटेशन के हैं दो सेम ओरिएंटेशन के ये दो अपोजिट ये दोनों सेम ये दोनों सेम ये दोनों सेम ये दोनों सेम, ये दोनों ये दोनो, ये ठीक तो है, मतलब, है।, मतलब वन एशार है। एशार हो ना तो इसको बोलते हैं फिगर क्लासिफिकेशन ये कौन सा क्वेश्चन है फिगर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बताइए चलिए फिगर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है गाइस ये ये वाला बताना जरा एक बार आ, ये कह रहा है फोर ऑफ द फॉलोइंग फिगर अलाइक इन अ सर्टेन वे ओके चलिए तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा ये तेरी और मेरी मोहब्बत आयात है हर लम्हा इसमें जीना मुकद्दर की बात है कहती है इश्क दुनिया जिसे मेरी जाने मन देखिए इस ये दोनों एक साथ हैं ये दोनों भाई साहब एक साथ ये दोनों भाई साहब एक साथ ये दोनों भाई साहब एक साथ इसमें ये दोनों भाई साहब क्या बैठे हैं गुस्सा तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर टू मतलब सी आंसर हो जाएगा ठीक है ना मैं तुम्हारी कमेंट ही देख रहा हूँ कहीं सोचो सौरव सर रील बना रहे हैं ठीक है ना चलिए लड़कियां कहीं भी शुरू हो जाती है रील बनाना ठीक है ना चलिए ये बताओ भैया इसका संबंध इसके साथ है तो इस भाई साहब का संबंध किससे होगा ये बता दो चलिए सर हर मेटल डायमंड नहीं होता तो हर लड़की फनी नहीं हो सक नहीं होती है सुखी भाई क्या हो गया है तुम्हें हैं क्या हो गया है मेरे मुन्ना पागल हो गया है क्या कोई कोई पागल हो जाता है कोई रिलेशन नहीं है भाई देखो भाई साहब ये इधर गया और उल्टा हो गया इधर आया और उल्टा हो गया इधर जाएगा उल्टा हो जाएगा इधर आएगा उल्टा हो जाएगा ठीक है ना तो ये आंसर 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 आएगा इसका इसका ऑप्शन नंबर आ गया चलिए चलिए क्लियर हो गया भाई पढ़ ले मेरे भाई क्या हो गया मेरे को लग रहा है ये पढ़ाई नहीं हो पाई वो सटक गया वो च, चली गई बुद्धि इधर आ गया इधर आ गया इधर आ गया इधर आ गया सेंटर पे सही पहुंच गई हो भाई पता चले दिल्ली सेंटर आया और चला गया जम्मू कश्मीर चलिए चलिए अगला क्वेश्चन बताइए ठीक है ना बावला हो गया बेचारा धूप में बैठ गया क्या ज्यादा देर सर्कल बताओ भाई इसमें कितने सर्कल होंगे चलिए सर्कल भाई भाई पीवाई वाई में ऑलरेडी सोल्व करा चुका हूं मेरी प्लेलिस्ट जाके देखिए इसी चैनल पर सौरभ शर्मा या फिर मैं ग्रुप में डाल दूंगा टेलीग्राम पर वहां पे सारे सोल्व करा रखे पीवाई क्यूएस बिना पीवाई क्यूएस एक सर्कल दो सर्कल तीन सर्कल चार सर्कल और ये पांचवा सर्कल पांच आंसर है इसका ठीक है ना एक सर्कल दो तीन चार और एक पूरा बड़ा वाला पांच सर्कल है चलिए वाला बताइए डॉलर साइन वन टाइम अरेंज करो भाई इनको स्पीड एवरी वन चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा चलिए ठीक है सुमन प्रमोद मोहित पारस मृत्यु देखो भाई चार गुना में चार सोलह का आधा आठ होता है आठ या चौबीस का आधा बारह होता है सात बयालीस सेवन जा ठीक है ना कल एक बच्चे ने कहा सर आप नंबर्स को इंग्लिश में बोल दीजिएगा तो ठीक है मैं बोल देता हूँ फोर्टी टू होते हैं डिवाइड बाई थ्री क्या गया तीन एकम तीन चौक बार है भैया चौदह चौदह आंसर आ रहा है जिनका है वो अपने लिए ताली बजा लो जिनका गालों से ताली बजाएंगे बजाएंगे जरूर ताली अगला क्वेश्चन आपके सामने सिटिंग अरेंजमेंट का बनाओ जल्दी से फटाफट से अरेंज करो इनको कौन के बैठा है चलिए चलिए जो जिधर बैठा है बैठाओ जल्दी से फटाफट से अरेंज करके बताओ मुझे कौन किधर बैठा है बना लिया स्पीड अप एवरी वन दो हो गए इसी के साथ बहुत बढ़िया शानदार जबरदस्त क्या आंसर आ रहा है इसका सिटिंग अरेंजमेंट बना ली सबने चलिए इसका उत्तर दो भाई अभी थैंक यू मत बोलो जितेंद्र कुमार जब तक मैंने बाय नहीं बोला तुम कैसे बोल रहे हो चलिए आ जाओ भाई आठ लोग कितने लोग हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ बैठे हैं सर्कल में बैठे हैं फेसिंग द सेंटर एक दो तीन चार पांच छ सात आठ भाई सबका ए बी के डी एच वी जी के के वाले दो यार है ना तो थोड़ा सा के को थोड़ा लिख लेंगे बाकी सब अलग अलग नाम है तो हम शॉर्ट में लिखेंगे ये कह रहा बानू जो है थर्ड है टू द राइट ऑफ वसंत 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 के ये वसंत है वसंत के थर्ड राइट पर एक दो तीन यहां पर बानू बैठी है बनो तेरा स्वैगर एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कुमार कौन बानू जो है वसंत के थर्ड राइट पर बैठी है एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कुमार कुमार के यहाँ पे कुमार यहाँ पे कुमार बैठा रहा हूं मैं कुमार के थर्ड लेफ्ट ये कुमार कुमार के तीसरे उल्टे हाथ पे बानु बैठी है आ जाओ कीर्ति फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ अर्जुन अर्जुन इज नॉट एन नेबर वसंत एंड वसंत का और बानु का नेबर नहीं है कौन वसंत का नेबर नहीं है मतलब इधर नहीं हो सकता इधर नहीं हो सकता बानू का नेबर नहीं है कौन वसंत और बानु का नेबर कौन है अर्जुन मतलब अर्जुन भाई साहब यहीं पे बैठ सकते हैं अर्जुन यहां पे बैठेगा भाई ये अर्जुन है और ये कह रहा है अब कीर्ति इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ अर्जुन एक दो तीन चार यहां पे कीर्ति बैठी हुई है ये कीर्ति बैठी हुई है गाइस आगे आ जाओ ये कह रहा है इज नॉट एन इमीडिएट नेबर नेबर ऑफ बानू बानू की नहीं है कौन हरीनी तो यहां पर एच ए आर आई एन आई जो भी है ये बैठी रहेगी आगे चलो गायत्री सेकंड टू द राइट ऑफ दीपन गायत्री दीपन के राइट में है गायत्री सेकंड टू द राइट ऑफ दीपन मतलब दीपन के राइट यहां पर दीपन बैठा हुआ तो यहां पर गायत्री बैठी होगी चले गए ठीक है ना दीपन के राइट साइड में गए तो ये कह रहा है ये बताइए हु अमंग द फॉलोइंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हरिनी हरिनी के थर्ड लेफ्ट पर कौन बैठा है गायत्री टू आंसर आ रहा है इसका बी बी बना लिया सभी ने सभी का बन गया भाई सभी का बन गया भाई यस और नो बताओ यही सेटिंग अरेंजमेंट बनी है भाई सबकी यस और बताइए एक बार मेरे को प्यार से बना ली होगी गायत्री आ रहा है जी सभी का यहां पर दीपन बैठा है फिर बानू फिर गायत्री अर्जुन कुमार हरिणी और वसंत और कीर्ति दिस इज द सेटिंग अरेंजमेंट गायत्री आंसर आ रहा है जिसको नहीं बना है वो एक बार दोबारा देखेगा जल्दी से मुझे बताओ अभी क्लास खत्म नहीं हुई है कोई छोड़ के नहीं भागेगा गई है ना अगर जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो मुझे इस क्वेश्चन का उत्तर एक बार बता दीजिए एनालॉजी का क्वेश्चन है गई से चलिए बिल्कुल बकवास क्वेश्चन है तेरह तिया उनतालीस में से एक घटाया अड़तीस सत्रह तिया इक्यावन में से एक घटाओगे पचास आंसर आ जाएगा जैसा कि बहुत से भारतीयों ने दे भी दिया तेरह तिया उनतालीस में से एक घटाया अड़तीस सत्रह तिया इक्यावन में से एक घटाया तो पचास उत्तर आ गया अभी भी कोई छोड़ के नहीं जाएगा क्लास एक और क्वेश्चन बताएंगे मेरे को सीरीज का जल्दी से बताएंगे गाइस कोई छोड़ के नहीं जाएगा अभी क्लास क्लास नहीं छोड़ेगा गाइस अगला क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है इस बहुत प्यारा क्वेश्चन है मैं आपको ये कह रहा हूं बहुत गजब का क्वेश्चन है इस बहुत गजब का क्वेश्चन है सर गाइड करो सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन कब करें पेपर में टाइम बच जाएंगे पचास सेकंड में हो जाती है तो कर लेना अगर लग रहा है यार देखे है तो मार्क फो रिव्यू करके पीछे के लिए छोड़ देना चलिए डी चार पर है एल है पर पी सोलह पर और एल है पर यह बढ़िया क्वेश्चन नजर आ रहा है इस मेरे को। देखो चार में आठ ऐड करोगे तो बारह आएगा ना आठ ऐड कर दोगे तो बारह आएगा डी चौथे पर एल बारह पर सोलह पर और बारह पर यहां पर चार ऐड हो रहा है या घट रहा है यार यहां तो, यहां पे पे तो आठ ऐड हो रहा है तो यहां पे चार ऐड करेंगे फिर हम जीरो बारह और चार सोलह सोलवे नंबर पर आपका पी आ जाएगा पी एफ आंसर आ गया बहुत बढ़िया सीरीज मैंने कहा था ना देखो तो ऐसा हो रहा है यहां पर समझना मेरी बात यहां पर पी आएगा क्योंकि क्यों आएगा सर पी देख लो पहले क्या हो रहा है ये चौथे पर है ये बारह पर है ये सोलह पर ये भी सोलह पर और ये बारह पर सुनना क्या हो रहा है पहले हुआ है फिर इससे कम, चार कम, चार इसमें चार, इस चार, इस चार, इस चार और घटा दो तो माइनस नेगेटिव चार है इस सीरीज को ध्यान से समझ लो बढ़िया सीरीज है yes no. सीरीज को ध्यान से सुन लो सीरीज को ध्यान से सुन लो इस किस किस को ये सीरीज समझ आई है किस किस को ये सीरीज समझ में आई है आठ चार में आठ ऐड करोगे बारह बारह में चार ऐड करोगे सोलह सोलह में जीरो ऐड किया सोलह फिर चार घटा देंगे तो बारह आंसर आ जाएगा आगे भाई समझ में अच्छा पिछली वाली सीरीज में क्या हो रहा है जेड होता है छब्बीस पर ए होता है पहले पर के होता है ग्यारह पर और पी होता है आपका सोलह पर तो यहां पर पांच ऐड हो रहा है यहां पर एक घट रहा है ठीक है एक घट रहा है ग्यारह और पांच सो ले गई एक घट रहा है फिर पांच घटेगा फिर जीरो घटेगा बताइए नीचे वाली सीरीज में क्या लॉजिक है बताओ नीचे वाली सीरीज में क्या लॉजिक है गई चलिए भाई छब्बीस एक छ एक और पांच ऐड किया एक में ऐड करेंगे छे। छे पांच एड छ और पांच सोलह ये पैटर्न है बाकी है ना कर लेना मतलब देख लेना इसको ठीक है चलिए बाकी पी एफ इसका करेक्ट आंसर एक बार ये वाला बताना जरा मेरे को क्या आंसर होगा इस सीरीज को और बताओ क्लास नहीं छोड़ेगा कोई क्लास जिसने छोड़ी वो पिटेगा आज रितिक भाई प्रैक्टिस करो क्लास नहीं छोड़ेगा कोई बच्चा अभी ये वाला क्वेश्चन बताइए क्लास नहीं छोड़ेगा मैंने कह दिया ना जब तक मैं नहीं कह रहा क्लास नहीं छोड़ेगा आज कोई बच्चा इसको बताइए जेड छब्बीस पर है टी बीस पर है एन चौदह पर है एच आठ पर है छह घटा छह घटा घटा दो घटाएंगे बी आंसर आएगा बी आई आंसर आ गया सभी का सी आंसर आ रहा है ठीक है ना घटा 6 घटा लेटर सीरीज है एक और क्वेश्चन ये वाला बताओ मेरे को चाइनीज कोडिंग कोई क्लास नहीं छोड़ेगा आज मैंने बोल दिया है मेरे को फटाफट से इसका उत्तर बताइए स्पीड अप एवरीवन इसका उत्तर मेरे को बताओ जल्दी से चाइनीज कोडिंग का आपको बताना टोमेटो इज टेस्टी टमाटर टेस्टी है इसका कोड बताओ जल्दी से टोमेटो इज इस टेस्टी इसका कोड बताइए जल्दी से मेरे को चलिए बना दिया बी आंसर बना रही है प्रांजल अनुष्का देखो कैसे करेंगे भाई इज़ इस टेस्टी इसके अंदर हमारे अंदर क्या है? ग्रीन एंड टेस्टी आ रहा है तो इसका हमारे काम का टेस्टी है हमारे काम का कौन है टेस्टी तो मतलब इनमें से एक आना चाहिए उत्तर में बिर ले नाक में से एक होना चाहिए बिर ले नाक ले है ठीक है बिर ले नाक में से एक होना चाहिए बिर है बिर ले दो गए ये गलत हो गया

बी आंसर आएगा ठीक है ना भाई पिक नाक होर भी बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि पिक नाक होर का मतलब क्या है टोमेटो इज ग्रीन बट हमें तो टोमेटो इज टेस्टी का निकालना है सभी का क्लियर हुआ बी आंसर है अच्छा एक क्वेश्चन और बना लो लास्ट क्वेश्चन है बस आज का फिर मैं छुट्टी दे दूंगा तुमको ये वाला और बता दो मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से बच्चों ये इसका उत्तर और बता दो बस उनको चलो ये वाला और बता के जाओ बस फिर चले जाना स्कोर बता दो बस इसको और बता दो फिर चले जाना फिर कुछ नहीं कहूंगा मैं आपसे चलिए चलिए बहुत गजब का क्वेश्चन है ये बहुत गजब का क्वेश्चन है एक बच्चे ने उत्तर दिया है 514 दे रहे हैं 514 दे रहे हैं गाइस ये बहुत गजब का क्वेश्चन है गाइस सुनना ये। ये क्वेश्चन समझ ना देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है 22 में 19 ऐड करो कितना आ जाता है 41 आ जाता है 32 में 11 ऐड करोगे 43 आएगा 42 में 12 ऐड करोगे 54 आएगा ए आंसर आएगा ए आंसर करेक्ट है जैसे ने ए दिया है वो ठीक है ठीक है और क्या है सर ये तीन कैसा है? चार में से एक घटाओगे तीन चार में से तीन घटाओगे एक पांच में से चार घटाओगे तो एक आएगा समझ रहे हो ये ऐसे लिख रहा है फोन में तुम्हारे कमेंट ही चल रहे हैं कहीं सोचोगे सर फोन में क्या कर रहे हैं तुम्हारे कमेंट देख रहा हूं क्योंकि स्क्रीन थोड़ी दूर लग रही है ध्यान से देखना पड़ता है स्क्रीन पे फोन में सामने साफ दिख जाते हैं मेरे को तुम्हारे कमेंट क्लियर है आंसर आ रहा है सौ 541 आंसर आ रहा है क्लियर है जी ठीक है जी सौम्यदीप सगुन वर्मा चलिए जी एक क्वेश्चन होमवर्क में ले लो सिटिंग क्वेश्चन है भाई इस क्वेश्चन को प्लीज आप बनाइएगा बढ़िया क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए ये आप करना मैं स्क्रीन ले लो इंग्लिश वाले मैं जान बुझ के तुम्हें एक क्वेश्चन टफ दे जाता हूं जाते टाइम ताकि तुम थोड़ा दिमाग लगाओ सोचो ठीक है बाकी सब तुम कर लोगे और सैटरडे को एक क्लास लूंगा मैं चार पांच घंटे की क्लास लूंगा अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है रीजनिंग में और रिवीजन अगर आपको करना है ना रीजनिंग का तो मत करो क्योंकि सैटरडे को मैं कराऊंगा आपको ठीक है अगर आपको रीजनिंग अभी तुम और सब्जेक्ट पढ़ लो मेरी बात सुन लो जो भी है आपके और सब्जेक्ट पढ़ लो जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट हैं वो पढ़ लीजिए अभी टेक्निकल पढ़ लो जीके रीजनिंग का रिविजन एक क्लास में करा दूंगा और सबसे शानदार बिना बोले बिना कोई मजाक मस्ती के फटाफट वो मैं करा दूंगा मेरे ऊपर छोड़ दो सारे चैप्टर सारे कॉन्सेप्ट एक एक चीज को मैं रिवाइज करा दूंगा आपकी सैटरडे को मिलेंगे तब तक रीजनिंग को आप छोड़ दो पढ़नी नहीं है रीजनिंग खाली क्लास देखनी है सौरभ सर की बाकी के सब्जेक्ट पढ़ लो जब तक टेक्निकल और वेक्निकल ठीक है चलिए मिलेंगे आप सभी के साथ सैटरडे को गई अगर आपने मेरा ठीक है ना उस अकेले सेशन से तुम्हारा पेपर क्लियर करवा दूंगा इतना याद रखना गारंटी ले रहा हूं इस चीज की अकेले सेशन से पेपर में क्लियर करवा दूंगा ठीक है ये मेरा कूपन कोड है गाइस सौरभ ठीक है ना ये टेलीग्राम चैनल ये ये नंबर है आप ज्वाइन कर लीजिएगा गाइस मजाक मस्ती भी करेंगे ऐसा नहीं है ठीक है चलिए टाइमिंग अभी मैं बता दूंगा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा अगर आपको टेलीग्राम नहीं मिल रहा तो इस इसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सेम बैच अगर आपको लेना है एस एस सी जेई का इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल डीडीए पीजीसीआईएल कोई भी बैच परचेज करना है ये कूपन कोड है मेरा सौरभ कैसे परचेज करना है ये भी आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच